हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं जिस घर पर आपको लेकर के आया हूँ, ये पंकज जी का घर है। और पंकज जी का अपना निजी स्कूल है और साथ ही खेती बाड़ी में भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ पंकज जी और उनकी जो अर्धांगिनी है, तो दोनों ने मिलकर इस खूबसूरत से बगिया को अपने घर के एक कोने में बनाया है। और देखिए, एक छोटे से कॉर्नर को लेकर के ही इन्होंने ये काम किया है और गमलों में ही बहुत ही सुंदर सुंदर फूल इनमें लगे हुए हैं। तो ये जो गांव है, गांव जगदीशपुर है, जो कि उधम सिंह नगर का एक गांव है। और दोस्तों, इस तरह के काम जो है हम सभी कर सकते हैं। अपने घर के किसी एक कोने में भी हम इस तरह के बगिया को बना सकते हैं। और जब एक जगह पास पास इस तरह के गमले लगे हुए हों तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, ये जो फूल है ये पर्सलेन कहलाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर्सलेन और जो पोर्टुलिका है, तो एक ही किस्म के फूल हैं लगभग लगभग। और दोपहर को बहुत अच्छा लगता है ये फूल। लगभग सुबह 8-9 बजे तक खिल जाता है और फिर 2-3 बजे तक ये जो है खिला हुआ रहता है। और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, तो जितने कलर हो सके आप कलेक्शन कर सकते हैं और इस समय अपनी बगिया में लगा सकते हैं। दोस्तों, मटके में जो ये फूल देख रहे हैं, ये रेन लिली है। और इसी तरीके से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके भी पंकज जी ने अपने इस बगीचे को बनाया है। और देखिए, ये जो एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें टॉफ़ी वगैरह आती है, तो इसी में ही ये जो पौधा है क्लैडियम का, तो उसको लगा दिया है। और क्लैडियम में देखिए, इसमें कुछ दिन पहले फ्लावर्स भी आए हुए थे। और फ्लावर्स ना भी हो तब भी इसके पत्ते इतने कलरफुल होते हैं कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह के पौधे हमेशा साल भर बने रहते हैं। और इसके अलावा ये जो है पर्सलेन का पौधा है, तो ये भी गमले में लगा हुआ है। और इसके अलावा जो बरबीना है, अब भी इनके गार्डन में खिल रहे हैं। हालांकि पूरे सर्दियों भर ये खिलते रहते हैं। और इस समय जबकि ये मई का महीना चल रहा है और वो भी मई का मिड सेशन, तो इसमें भी ये फूल बने हुए हैं। प्लांचो बहुत सारे घरों में ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो पौधे हैं दोस्तों, ये साल भर तक बने रहते हैं। बस कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग रुक जाएगी, लेकिन पौधे आपके बने रहेंगे। और उसी तरीके से ये डेंथस का पौधा भी है, तो इसमें भी देखिए अब भी इतने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। और इसका राज यही है कि जो भी सूखे फूल हैं तो उसको जो है कैंची से बार बार कट कर देते हैं और वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलती है और उसमें फिर से फ्लावरिंग होती है। उसके बाद दोस्तों, जो विंका है, ये भी एक परमानेंट फ्लावर है और गर्मियों में तो काफ़ी बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें फूल आते हैं। तो दोस्तों, इसका आप अलग अलग कलर ले सकते हैं और एक लाइन से उसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, साल भर तक पौधे बने रहते हैं। और सर्दियों में थोड़े से छोटे फूल होते हैं, लेकिन गर्मियों में इस समय और बारिश के सीज़न में बहुत अच्छे फूल इसमें आते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं साल्विया का पौधा है, और ये भी मोस्टली जो विंटर का सीज़न है उस समय खिलता है, लेकिन अब भी देखिए इस मई महीने में भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सब थोड़े से केयर का नतीजा है, जो इस समय विंटर के फूल अभी भी इनके बगीचे में हैं। पिटूनिया बहुत जगह ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों देखिए इनके बगीचे में अब भी हैं। तो यहाँ भी वही किया जाता है कि फूल जैसे ही सूख जाते हैं तो उसको कट कर दिया जाता है। और सूखे फूलों को कट करते रहने से ये जो है जून महीने तक बने रहते हैं। और दोस्तों, ये ग्रैंडी फ्लोरा है, जो कि गर्मियों में और बरसात में खूब खिलते हैं और पौधे भी साल भर तक बने रहते हैं। इसके अलावा डेंथस और यहाँ जो है बरबीना आप देख रहे हैं। और बरबीना जो है
कई यहाँ पर कलर हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं एक के बाद एक कलर। इनके पास ब्लू भी है, रेड भी है, और यहाँ पर देखिए लाइट पिंक जो है, तो इस तरीके के कलर के वर्बीना हैं। तो ये भी मेनली सर्दियों का है लेकिन अब भी खिल रहे हैं। और फिर से एक पौधा जो है यहाँ पर ग्रैंडी फ्लोरा का है, और दोस्तों इसमें भी स्टिक निकल करके फूल आते हैं, तो जो फूल सूख जाए तो उसके स्टिक को कट कर देना चाहिए, तो फिर नए नए स्टिक फिर से आते हैं। इसके अलावा देखिए रोज़ इनके बगीचे में खिला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेड वाला रोज़ भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब भी जो है देखिए वेस्ट मटेरियल या पुरानी जो पेंट की बाल्टी उसमें लगे हुए हैं, कई कंटेनर हैं, प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं, और देखिए ये पॉलीथीन प्लास्टिक के जो पैकेट्स हैं, तो कई बार दवाइयों का या आटे का पैकेट इस तरह का होता है, तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये करते हैं। तो इन सब में भी हम अपने पौधों को उगा सकते हैं, और उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। देखिए पुराने से डिब्बे में यहाँ भी कई सारे फूल लगा दिए गए हैं, तो जैसे जैसे जिसका सीज़न आता है फ्लावरिंग अपने आप होती रहती है। तो अगर आपके घर में इस तरह के डिब्बे हैं तो थोड़ा सा पेंट का यूज़ करेंगे तो ये डिब्बे और भी खूबसूरत बन जाएंगे, और इसमें जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तुलसी का पौधा भी है, और देखिए छोटे छोटे फिर वही प्लास्टिक के पैकेट्स में गेंदे के पौधे अभी भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा पर्सलेन भी इसी में भी कई जगह लगा रखा है। और यहाँ पर देखिए साथ में गमलों में भी हैं, और इस डिब्बे में तो कोलियस और जीनिया दोनों ही हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से पौधों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी कलेक्ट किया है। देखिए गुलदाउदी के पौधा यहाँ पर है, तो ये भी जो है नेक्स्ट सीजन में सर्दियों में खिलेगा, तो उसी की तैयारी है। और जो टिन का पीपा होता है तो उसमें भी इस तरह से रोज़ को लगा दिया है। दोस्तों अगर आप टिन के पीपे का यूज़ कर रहे हैं तो अंदर और बाहर दोनों जगह से अगर आप इसको कलर कर लेंगे तो फिर ये जो है 8-10 साल में भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन बिना कलर के आप अगर इस तरीके से लगा देंगे तो 1-1.5 साल में ये जो है ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि पहले इस तरह के कंटेनर को कलर कर लें, और ख़ास तौर से जो लोहे और टिन वाले हैं क्योंकि इसमें जंग काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो अंदर और बाहर पेंट करने के बाद फिर जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इसमें 8-10 साल तक भी आपके जो पौधे हैं वो बने हुए रह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सस्ते में आ जाता है, और ये टिन जो है आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पर 20 रुपये में मिल जाता है, तो चाहे तो एक कंटेनर या दो कंटेनर भी आप इस टिन से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा बगीचा इनके घर के कॉर्नर में ये नज़र आता है, और दूर से ही सड़क से मुझे ये दिखाई दे गया था और तभी मैं इनके घर की ओर आया, तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों अगर हम घर के इस साइड से लेकर के दूसरी ओर जाए तो दूसरे तरफ के दीवार के पास भी इन्होंने कई सारे फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं, और यहाँ भी देखिए गमले भी हैं और टिन भी हैं, तो देखते हैं यहाँ कौन कौन से फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ देखिए जीनिया का फूल यहाँ नज़र आ रहा है शुरू में, उसके बाद फिर पिटूनिया है, उसके बाद फिर गजानिया का फूल अब भी इनके बगीचे में खिल रहा है। तो ये जो गजानिया है ये भी साल भर तक बना हुआ रहता है, बरबीना साथ में, और फिर से यहाँ पर जीनिया, और देखिए बहुत ही सुंदर सा फूल ये जो है फुटबॉल लिली कहलाता है, और इसका डॉक्सस भी इसका एक नाम है। तो इसमें जो है नीचे इसकी बल्ब होती है तो बल्ब से लगता है, और एक बार आप लगा देंगे तो किनारे किनारे से फिर और नए नए बल्ब निकलेंगे, और उससे जो है नए पौधे भी जनरेट होते रहेंगे। तो इस तरह के पौधे काफ़ी सुंदर लगते हैं। और देखिए जो विंका है या जिसे हम 12 मासी या सदाबहार कहते हैं, तो उसकी देसी वैरायटी यहाँ पर है,
और ये भी इसी तरह के पुराने पुराने जो कंटेनर हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, तो उन्हीं में लगाया गया है। तो पीछे की तरफ इस तरह की चीज़ें और सामने की तरफ गमलों में लगाया गया है, ताकि देखने में भी जो है अच्छा दिखाई दे। और देखिए पूरी तरह से भरा हुआ यहाँ पर ये कॉर्नर है, और साथ में यहाँ पर एक मोगरे की बेल भी है। तो देखिए इसमें भी फूल आना शुरू हो गया है। तो मोगरे को जो है गमले में लगा रहे हैं, तो ज़्यादा लंबा बेल नहीं बढ़ाना चाहिए, आप उसको बुशी बनाएं तो बहुत अच्छा खिलेगा। और इस पर मैं इससे पहले एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि कैसे मोगरे में ज़्यादा अच्छे फूल आप ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से टिन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर इस टिन में इस तरह के गुलदाउदी के पौधे को लगाया, और सर्दियों में काफ़ी फूल खिले थे। और दोस्तों देखिए इन्हीं के घर में एक और खूबसूरत सा फूल, जिसको पैशन फ्लावर कहते हैं, या कृष्ण कमल भी आप इसको कहते हैं, बिल्कुल राखी की तरह लगता है, जैसे हम बचपन में पहना करते थे, या जो बहनें हैं अपने भाइयों को इसी तरह के राखी बांधा करती थी। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ब्लू कलर में ये फ्लावर, और अब तो इसमें रेड कलर भी आ चुका है। तो इस तरह के एक बेलदार ये जो पौधा है, इसको आप अपने घर के जो बाउंड्री वॉल है उसमें चढ़ा सकते हैं, या नीचे से एक डोर लेकर के छत के ऊपर तक आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो ये साल भर पौधा बना रहता है, और इस समय इसके फ्लावरिंग का सीज़न है। देखिए कितने सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं, तो अभी अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हुआ है, और दो चार फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इन प्यारे प्यारे फूलों को देख करके थोड़ी देर के लिए आप जो ये संकट काल का समय है इसको भूल चुके होंगे। तो अपने घर में भी इस तरह के कुछ काम आप भी कीजिए, और अपने जो मन है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। उम्मीद है दोस्तों इस संकट काल में भी इस तरह का बगीचा आपको थोड़ी देर के लिए सुकून ज़रूर दे रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, तो इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।